इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336973720219। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई। www.rajguruastrologer.com। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव मूल नायक खजरट सी चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि खजरट सी पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति के उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए समस्त मुनि संघ की जय जय जय। ना हमने महावीर को देखा ना ही आदिनाथ को, ना ही कुंद कुंद को देखा ना कोई जग सम्राट को। अरे क्यों देखूं कैसे देखूं मैं दुनिया के कोई ताज को, अरे हमने देख लिया है गुरु प्रमाण सागर महाराज को, हमने देख लिया है गुरु प्रमाण सागर महाराज को। बंधुओं शाश्वत तीर्थराज सम्मेश कर के इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी लोगों का हृदय तल से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं जैसा कि आपको विदित है परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में साकार हो रही है, बंधुओं पूज्य गुरुदेव की ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो जन जन का गुणात्मक विकास करेगा, निश्चित ही पूज्य गुरुदेव ने इस पूरी सृष्टि को एक ऐसा वरदान दिया है जिसके माध्यम से न जाने कितने लोग अपने सम्यक्त्व का जागरण करेंगे, मिथ्यात्व से हटकर के सम्यक्त्व के उजाले में आकर के अपने जीवन को नर से नारायण, पतित से पावन और कंकर से शंकर, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कर पाएंगे। बंधुओं प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं, अपने दान और योगदान के माध्यम से इस पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना को साकार करने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। उसी कड़ी में आज भी जिन्होंने गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को गौरवान्वित किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों के नामों की मैं उद्घोषणा कर रहा हूं। आप सभी लोगों की करतल ध्वनि उनके स्वागत में होनी चाहिए। सर्वप्रथम जिन्होंने निर्माण निधि के रूप में अपने आप को जोड़ा है, किशनगंज से श्री ज्ञानचंद जी काला, श्री प्रदीप सिद्धार्थ काला यहां पर उपस्थित हो तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिएगा। निर्माण निधि में ही कोलकाता से श्री राजकुमार जैन, श्री रौनक जैन समस्त परिवार एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। इन्होंने भी निर्माण निधि के रूप में अपने आप को यहां पर जोड़ा है और साथ ही स्वर्ण दान में स्वर्ण अंगूठी जिन्होंने गुणायतन में समर्पित की है, श्री प्रवीणा जैन हसमुख भाई पारिख बड़ाडा मुंबई से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनके पुण्य की अनुमोदना करिए। साथ ही बंधुओं जिन्होंने आज सूत्रधार के रूप में अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है, ऐसे सुरेश जैन, रश्मि जैन, गौतम, रुचि जैन अटलांटा यूएसए से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। वो यहां पर प्रत्यक्ष उपस्थित है, मैं निवेदन करूंगा गुणायतन परिवार उनका स्वागत करना चाहता है और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्री एनएल जैन साहब और पंकज जी पाटोदी साड़म से बुआएं और ऐसे परिवार का जो सूत्रधार के रूप में संबद्ध हुआ है उनका, और साथ में देखिए जो प्रमाणिक समूह चलता है उसके सक्रिय कार्यकर्ता है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रमाणिक समूह एक ऐसा अभिनव प्रयोग कर रहा है जिसके माध्यम से प्रमाणिक पाठशाला में भी आप देखते होंगे किस प्रकार से आज की जो जनरेशन है कैसे धर्म से जोड़ सकते हैं, तो तकनीकी के माध्यम से आप लोग भी अपने बच्चों को प्रमाणिक पाठशाला से जोड़ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रमाणिक समूह निरंतर कार्य कर रहा है, तो सूत्रधार हमारे सुरेश जी, रश्मि जी, गौतम, रुचिल अटलांटा से उनका सम्मान हो रहा है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पुण्य की अनुमोदना कीजिएगा। साथ ही बंधुओं आज हमारे बीच में सुप्रसिद्ध चिकित्सक रांची से डॉक्टर आलोक जैन जी पूज्य गुरुदेव के चरणों में आए हैं, वंदनार्थ मैं निवेदन करूंगा, आज गुणायतन परिवार उनका भी स्वागत करना चाहता है, वो आए
और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं बड़े सम्मान के साथ श्रीमान ललित जी चूड़ीवाल और संजय जी सेठी रामगढ़ से आए, और ऐसे हमारे डॉक्टर आलोक जैन जी जो सुप्रसिद्ध चिकित्सक हैं और रांची से हमारे बीच में आए, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी अभिनंदन करें। और उनके सम्मान के लिए ललित जी चूड़ीवाल और संजय जी सेठी रामगढ़ से वो आए, और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें जो सुप्रसिद्ध चिकित्सक हैं और पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन कर रहे हैं। बंधुओं, हाँ, सपत्नी आए, पूरे परिवार से है जो भी आए हैं, डॉक्टर आलोक जी पूज्य गुरुदेव के वंदनार्थ आए हैं, और गुणायतन परिवार उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन करता है। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन, मैं बार बार कहता हूं कि गुणायतन ये एक ऐसा एक अनुसंधान है जिसके माध्यम से निश्चित ही आज की युवा पीढ़ी धर्म के मर्म को जान पाएगी, कैसे यात्रा आत्मा से परमात्मा तक की होती है, वो सब कुछ हम जान पाएंगे इस गुणायतन में आकर के, और चतुर्थ काल का दिग्दर्शन कर पाएंगे। ऐसी है पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना। तो जो लोग अब तक नहीं जुड़े हैं गुणायतन से, मैं निवेदन करूंगा आज ही अपने भाव को जागृत करिए, संपर्क करिए और गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित कीजिए। आइए अब चलते हैं बिना किसी भूमिका के और सीधे सीधे संघ का समाधान के सत्र से जुड़ते हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, पूज्य गुरुदेव की वरदानी छाव हम सबको प्राप्त हो। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेद करते हैं। हे गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आइएगा, आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं हमारे बीच में अहमदाबाद से संध्या साधना चंदा देवी जी, अहमदाबाद से हमारे बीच में है, वो प्रथम प्रश्न रख रहे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगी अमरावती से पुष्पा भाई सुधाकर राव। हेलो महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी महाराज जी को त्रिव इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि संतान प्राप्ति के बाद कौन सा भावना योग करना चाहिए? चाहिए के बाद, संतान प्राप्ति के बाद, समता, संतान, संतान प्राप्ति के बाद कौन सा भावना योग करना चाहिए? बच्चों ने पूछा कि पहले संतान तो हो जाए, हो गए संत बेट, बच्चों के हैं ना बच्चे, तो उन्होंने पूछा है कि आप पूछना महाराज जी से। पहले तो जिनकी संतान नहीं है वो भावना योग करते हैं तो संतान होते हैं। हाँ, ये उन्होंने किया था, हुआ है उनको, हाँ उससे बहुत अच्छा। और अब संतान की प्राप्ति के बाद एक ही भावना भाए कि हमारी संतान एक अच्छे इंसान बने, धर्मी बने, और हम अपने जीवन का दायित्व तो पूर्ण कर अपने जीवन को का कल्याण करें, ये भावना भानी चाहिए। आइएगा अगले प्रश्न के लिए पुष्पा भाई सुधाकर राव अमरावती से, और उसके बाद तैयार रहेंगे गोपाचल ग्वालियर से हमारे बीच में ऋषभ जैन गजेंद्र जैन। महाराज जी को त्रिवार नमस्तु नमस्तु, पांचों शुल्लक जी को मेरा इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मैं अमरावती से हूँ, अमरावती में बुधवारा जैन मंदिर है, जैन मंदिर से पास भगवान की प्रतिमा चोरी गई है महाराज श्री, और वो जिन्होंने दिए है जो कोई दातार है उसके इसमें क्या पाप पुण्य का लाभ है और होगा तो उसका समाधान करिए महाराज जी। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। मंदिरों जैसे प्रतिमाओं का इस तरह से चोरी होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मंदिर के प्रबंध व्यवस्था जिनके हाथ में, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे, और यदि कहीं से जिन बिंब चोरी हुए हैं तो फिर उसे तुरंत सुलभ करने की व्यवस्था होनी चाहिए, बरामद करने की बात होनी चाहिए और मंदिर की तत्काल शुद्धि होनी चाहिए। यदि पर्याप्त प्रयास करने के उपरांत भी जिन बिंब वापस नहीं मिलते तो वहाँ हमें उन्हीं भगवान की फिर से प्रतिमा प्रतिष्ठित करके विराजमान करना चाहिए। और आपने जो पूछा है कि जिन परिवारों ने विराजमान किया था उनको कोई दोष लगता है क्या, चूँकि इनमें इनकी अपनी कोई निमित्त सहभागिता नहीं है कि हमारे निमित्त से चोरी हो, इसलिए इनको दोष की भागी तो मैं नहीं कहूँगा, पर ये दुख का विषय तो है ही ना, दुख तो होता ही है, इसलिए इस अपने दुख की शांति के लिए शांति कर्म करना चाहिए। चलिए, ऋषभ जैन गजेंद्र जैन गोपाचल ग्वालियर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे सरद जी केवड़े गुलवर्गा कर्नाटक ग्रुप। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज मकर संक्रांति के दिन
राजा भरत चक्रवर्ती जी ने सूर्यदेव को किस चीज का अर्घ दिया था? ये मकर संक्रांति के दिन की बात नहीं है, वो तो भरत चक्रवर्ती या चक्रवर्ती जो देखता है वो कर्क संक्रांति के दिन देखता है। आज तो सूर्य हमसे बहुत दूर है, जो हमारे नेतेंद्री के उत्कृष्ट उपशम का विषय है वो विषय कर्क संक्रांति के दिन होता, आज के दिन का कोई संबंध नहीं। हमारी आज के दिन जो लोग समझते लोग कर्क संक्रांति के दिन सूर्य बिंब में स्थित जिनालियों के दर्शन करता, आज के दिन नहीं। शरद केवड़े गुलवर्गा कर्नाटक ग्रुप से, और उसके बाद तैयार रहेंगी दीपा पाटिल कर्नाटक से। काला महाजी की चरणों में त्रिवार नमोस्तु, सभी शुल्लक चरणों में इच्छामी। महाजी क्षमा करें, वो अभी नाम लिए ना, दोनों भी उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए क्षमा चाहते हैं। चलो आप, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फायदा ले लो। आप प्रश्न पूछना। मेरा प्रश्न इतना ही है महाराज जी, अभी बहुत लोग मिथ्यात्व रहते हैं, उसको कैसे दूर किया जाए? देखो, अंदर के मिथ्यात्व को ज्ञान के प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है। हम उन्हें सही वस्तु स्थिति का बोध कराएं, तत्व ज्ञान कराएं, तो उनके अंदर का मोह भंग होता है, मिथ्यात्व टूट सकता है, जीवन व्यवस्थित हो सकता है। पंकज नीतू पाटोदी साड़म से, और उसके बाद तैयार रहेंगे रवि पांड्या गुवाहाटी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुल्लक जी, वन्ना भैया जी, गुरुवर, आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई वायरल होना चाहता है, उसके लिए वो कोई भी कंटेंट्स रील्स बना के मीडिया में डालता है, तो ये सोशल मीडिया के ज़माने में क्या करना चाहिए? आप प्रकाश डालिए। सब सोशल मीडिया का सवाल भी करेंगे और इसको भी सोशल मीडिया में डालेंगे, इसका एक ही उपाय है, सोशल मीडिया में उन्हीं बातों को आप स्थान दो जिसकी कोई उपयोगिता है, जिनकी उपयोगिता नहीं है न उसको आगे बढ़ाओ न उससे पढ़ो। अगर हम लोग इसको प्रोत्साहन देना बंद कर दें तो अपने आप ये बीमारी दूर हो जाए, लेकिन सबके सब फुर्सतिया बैठे हैं तो उनको कुछ काम नहीं, तो जो आया, कई लोग तो बिना पढ़े ही फॉरवर्ड कर देते हैं, इसलिए पोषण होता रहता है। अगले प्रश्न के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ रवि पांड्या गुवाहाटी से, और उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश रश्मि जैन गौमिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महर्षि, कहीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में हमने प्रतिमाओं का पंचकल्याणक कर प्रतिष्ठा करवा ली और बाद में उन प्रतिमाओं को अपने यहाँ लेकर नहीं आए और समाज ने दूसरी अन्य प्रतिमा लाकर उनकी प्रतिष्ठा करवाती है, तो उन पहली वाली प्रतिमा जो प्रतिष्ठित करवाई हुई है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, तथा क्या एक समाज को ऐसा करना उचित है? कृपया मार्गदर्शन देवे। ये बहुत बड़ा मजाक है भगवान के साथ, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, घोर अभिनय। सबसे पहले तो कहीं भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो और वहाँ आप जिन भी में प्रतिष्ठित करें, तो जिन बिंब की प्रतिष्ठा कराने से पूर्व संबंधित जिनालय से लिखित अनुमति लेना चाहिए, और जब तक उनकी लिखित अनुज्ञा न हो, अनुमति न हो, तब तक किसी प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी नहीं होनी चाहिए। कई लोग भावों में आकर प्रतिमाएं ले आते हैं और उनकी प्रतिष्ठा करा देते हैं। अब मंदिरों में वहाँ जगह और व्यवस्था अनुकूल नहीं होती तो वहाँ के लोग फिर उसे विराजमान नहीं कर पाते, तो भगवान कहाँ विराजमान करें। हर मंदिर में स्थान एक सुनिश्चित होता है, उसी के अनुरूप जिन बिंब की स्थापना होती है, तो कोई भी भगवान का बिंब हम विराजमान करें तो उसको देख कर करना चाहिए। तो कमेटी की लिखित अनुमति के बिना किसी की प्रतिष्ठा करनी ही नहीं चाहिए, और कमेटी ने अगर लिखित अनुमति नहीं दी है तो ना करें, और दी है तो उनको और किसी की स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, फिर उन्हें एकदम स्वीकार करना चाहिए। अब आपने एक ऐसी दुविधापूर्ण बात कह दी कि जहाँ के लिए प्रतिष्ठित की वहाँ के लोग ले नहीं गए, वहाँ और कोई प्रतिष्ठा हो गई, अभी इनको क्या करें? तो भगवान को भगवान भरोसे तो छोड़ना ठीक नहीं है। अब उनको योग आसन दे करके विराजमान कीजिए,
ये उनके लिए बहुत बड़े पाप का कारण बनेगा जिन्होंने भगवान विराजमान किया। स्थान सुनिश्चित किए बिना भगवान को विराजमान करना क्या कोई गुड्डा गुड्डी का खेल बना रखा है क्या? ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कभी भी किन्हीं को भी भगवान विराजमान करने का मनोभाव हो तो जब तक विराजमान कर्ता को भगवान को विराजने का स्थान सुनिश्चित न दिखे प्रतिमा विराजमान करने का कोई काम मत करो। अब जो हो गया तो एक तो निवेदन करो कि जिस मंदिर के निमित्त से अगर मंदिर कमेटी की अनुमति पूर्वक हुआ था तो जिस मंदिर के निमित्त से भगवान को विराजमान किएने की बात हुई थी, प्रतिष्ठा की गई, उसी मंदिर कमेटी को चाहिए कि वहाँ जगह बनाकर व्यवस्था करके करे, और नहीं करते तो अब भगवान प्रतिष्ठित हो गए हैं, उनकी व्यवस्था तो करनी होगी। आज से लगभग 28-30 साल पहले एक घटना हमारे सामने भी ऐसी हो गई थी, प्रतिष्ठा तो कर ली बिना पूछे और बाद में वहाँ वालों ने लेने से इनकार कर दिया। अब प्रतिष्ठित हो गए, भगवान ले जा नहीं रहे, हमसे पूछा महाराज क्या करें, वहाँ वेदियाँ पूरी जितनी चाहिए थी हो गई। अब हमने कहा कि ये तो बड़ी चूक हो गई, कमेटी ने अतिरिक्त व्यवस्था बनाकर भगवान को विराजमान किया, पूजा अर्चा की जा रही है। जिस व्यक्ति ने प्रतिष्ठा कराई थी उसको भी बहुत अफसोस हुआ और उसने भी काफ़ी अपना पश्चाताप भी किया, दान राशि भी दी, लेकिन ये व्यवस्था तो बिगड़ गई। तभी मैंने तय कर लिया कि कहीं भी प्रतिष्ठा कराओ, अगर कोई प्रतिष्ठाचार्यों भी आजकल इसका ध्यान रखते हैं कि कोई भी प्रतिमा जी लेकर आए तो पहले आप अनुमति पत्र लाकर दिखाइए, लिखित कमेटी की अनुमति होगी तभी हम भगवान को प्रतिष्ठित करेंगे, अन्यथा नहीं। नमस्ते। आइए अगला प्रश्न लेकर के साधना विजय जी, एडवोकेट दिल्ली से, और उसके बाद तैयार रहेंगे संजय जी सेठी। गुरुदेव नमोस्तु, इच्छामि छुलक जी महाराज जी। गुरुदेव बोलो। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। कदम कदम पर गलतियां करते करते समय बीतता जा रहा है। गुरुदेव, अब ही सही ऐसा क्या किया जाए कि कुछ ही अंशों में सही गलतियां सीख में परिवर्तित हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा वाक्य है, जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। और गलतियां तो हमारी प्रवृत्ति होगी, गलतियां करना बुरी बात नहीं है, गलतियों को दोहराना और गलतियों से सीख नहीं लेना बहुत बुरी बात है। हम क्या करें कि हमारी गलतियां कम हो और हम गलतियों से सीख लें? हम अपनी हर गलती की समीक्षा करें और उसकी पुनरावृत्ति करना करने का संकल्प लेना शुरू कर दें। अपनी गलतियों का एहसास होते ही स्वयं को कुछ दंडित करने का प्रयत्न करें। यदि ये मनोभाव जगता है और उसके लिए हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लेते हैं तो गलतियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकता। लेकिन गुरुदेव, संकल्प लेते ही टूट जाते हैं। संकल्प लेते ही टूट जाते, संकल्प लेते ही टूट जाता। खुद को दंडित करो, एक तय कर लो कि आज की तारीख में जो भी गलती होगी, जितनी गलती होगी, जब जब मुझे गलती का एहसास होगा हम 9 बार नमोकार जपेंगे और हर बार 10 रुपया की पेनाल्टी देंगे मंदिर के गुल्लक में। एक हफ्ता करके देखो कितना फर्क पड़ता है। संजय जी सेठी, और उसके बाद हमारे बीच में डॉक्टर आलोक जी, वो भी अपनी बात पूज गुरुदेव के चरणों में रखें। समस्त दिगंबर जैन समाज रामगढ़ की ओर से मंचासीन सभी साधुओं को नमोस्तु इच्छामी। गुरुवर, अक्सर हम बातचीत के दौरान शब्दों का संयोजन एक यूज़ करते हैं कि मेरे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। मन और मस्तिष्क, हम दोनों शब्दों को विच्छेद करके ही बोलते हैं। इससे स्पष्ट एक तरीके से यह है कि मन और मस्तिष्क दो अलग चीज़ें हैं। जहाँ मस्तिष्क शरीर के एक अवयव के रूप में अवस्थित है, मन का ऐसा कोई स्थान नहीं है शरीर के अवयवों के रूप में। तो क्या ये जड़ और चेतन का फर्क, मन और मस्तिष्क का फर्क है? जहाँ मन मस्तिष्क को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क कमांड दे करके शरीर से, मन मस्तिष्क को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क शरीर को कमांड दे के काया को कार्य लेता है, तो क्या मन को चेतन माना जाए? या जो कुछ हम करते हैं, हमारा जो परिचय है, वो हमारा मन ही है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मन और मस्तिष्क से संबद्ध आपने सवाल पूछा है।
सबसे पहले हम मन और मस्तिष्क के विषय में समझें। बिल्कुल मस्तिष्क हमें जड़ दिखता है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता भी दिखती है, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, मस्तिष्क तो मृतक की भी मृतक का भी होता है। प्राण निकल जाने के बाद भी मस्तिष्क होता है, पर उसकी सक्रियता कहाँ खो जाती? इसीलिए चिकित्सा विज्ञान में भी माइंड डेड नहीं बोल के ब्रेन डेड बोलते हैं या वेजिटेटिव स्टेट बोलते हैं। जो भी है, मरणोपरांत भी मस्तिष्क है, लेकिन मस्तिष्क में कोई चेतना है क्या? समझ गए? तो समझिए, तीन शब्द को ध्यान में रखिए, मस्तिष्क, मन और चेतना। सबसे परम तत्व है चेतना। मस्तिष्क हमारी चेतना को व्यक्त करने का और सक्रिय बनाए रखने का एक बड़ा साधन है, समझ गए? पर मस्तिष्क तभी तक काम करता है जब तक उसके साथ चेतना जुड़ी रहती, समझ गए? तो चेतना के जुड़ाव होने से मस्तिष्क हमारा सक्रिय रहता है, और मस्तिष्क की सक्रियता से हमारा जीवन चक्र चलता चलता रहता है। तो मस्तिष्क के पीछे चेतना की बड़ी भूमिका है। मस्तिष्क केवल एक संरचना है यदि चेतना शून्य हो, और यदि मस्तिष्क के साथ चेतना है तो मस्तिष्क हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा आधार या आलंबन। मन की जहाँ तक बात है, मन को अनिंद्री कहा गया। हमारे अंतरंग की, हमारी चेतना में उत्पन्न होने वाले जितने भी संकल्प और विकल्प हैं, वो मन की परिणति है। मन हमारे संस्कारों को प्रेरित करता है, संस्कारों से पुष्ट होता है, समझ गए? तो हमारे जैसे संस्कार होते हैं, हमारा मन उस तरीके से अपना काम करता है, और हमारे मन में जैसे विचार होते हैं, हमारे हृदय में वैसे ही संस्कार जमते हैं। तो मन एक हमारी चेतना को प्रकट करने का साधन है, और मस्तिष्क वह आधार है जिसके बल पर हमारी चेतना सारी शारीरिक और शारीरिक गतिविधियों को संचालित करती है। तो दोनों चीज़ों को अलग अलग लेकर के चलना, मन को भी मस्तिष्क को भी। मस्तिष्क को सर्वथा अचेतन नहीं कह सकते, मस्तिष्क भी चेतन है यदि चेतना से संबद्ध है तो, और मन चेतना का वह माध्यम है जिसके बल पर चेतना चीज़ों को जानने और देखने का काम करता है। नमस्ते गुरुदेव। आइए, निवेदन कर रहा हूँ, रांची से सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आलोक जी अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद तैयार रहेंगी सिद्धार्थ जैन किशनगंज। नमस्ते महाराज, आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी चिकित्सक बन गई है, और मैं चाहता था कि आप नए चिकित्सकों को, जैसे मैं चिकित्सक हूँ, मेरे पिताजी चिकित्सक थे, अभी जो अब नए चिकित्सक आ रहे हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे समाज के प्रति या उनका और लोगों के प्रति, और आपका आशीर्वाद। बेटी को भी अपने साथ खड़े कर लो ताकि परिचय हो जाए, साथ में खड़े हो जाओ। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन करें। डॉक्टर आलोक और इनके पिता श्री जी दास, घनश्याम दास जी, रांची के एक बहुत बड़े सर्जन रहे, और वह देव गुरु शास्त्र के प्रति, समाज के प्रति बड़ी समर्पित शख्सियत रहे। अपने जीवन के आखिरी दौर तक उन्होंने बहुत उत्कृष्ट सेवा का कार्य किया है। आलोक उसी रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए एक बार इनका पुनः अभिनंदन करना है। अच्छा है कि बेटी भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ गई है, और ये परंपरा चलनी चाहिए। वर्तमान में चिकित्सा का स्तर बहुत ऊपर उठा है, पर मेरी बात को बुरा मत मानना, चिकित्सकों का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। हमें ये देखना है कि चिकित्सक की जो छवि थी उसको हमें मेंटेन करके चलना है। चिकित्सक को भगवान की पर्याय के रूप में देखा गया है, तो वह रूप चिकित्सक के हमेशा जीवित रहना चाहिए। यद्यपि
आज के जो भी मरीज होते हैं, रोगी होते हैं और उनके परिचारक होते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा अधीरता और असंयम का परिचय देने लगे हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन सबको साथ लेकर के जब चलेंगे तभी सब कुछ काम हो सकता है। मैं समाज के सभी नौ चिकित्सकों से कहूँगा कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में जाएं, चिकित्सा को अपना केवल प्रोफेशन न माने, चिकित्सा को अपना धर्म भी माने। प्रोफेशन तो है ही, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन ये केवल प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, ये हमारी सर्विस भी होनी चाहिए, ये हमारी सेवा भी होनी चाहिए, ये हमारा धर्म भी होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ज़्यादा मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और वे एक बात का और ख्याल रखें कि चिकित्सक बनने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो धर्म की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, तो उसका प्रायश्चित भी मुझे करना है, ये बात आनी चाहिए। और जो एथिक्स आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं उनको अपना करके चले तो सभी अच्छा बन सकेंगे। जो रास्ता तुम्हारे पिताजी ने अपनाया तुम भी उनका अनुकरण करो और आगे बढ़ो, यही आशीर्वाद। जी, जी महाराज जी, कुछ बोलना है? हाँ, बोलो जी। बोलना है तो बोल सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न के लिए सिद्धार्थ जैन किशनगंज से, और उसके बाद तैयार रहेंगी विनीता जैन जयपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, किसी ने मेरा एक बार परिहास उड़ाते हुए मुझसे यह कहा कि तुम दारू नहीं पीते, तुम बुढ़िया नहीं खाते, या तुम मतलब कोई भी तरह का नशा नहीं करते। तो मैंने उनको जवाब दिया कि जिसको प्रभु भक्ति का नशा चढ़ गया, पूजन अभिषेक का, उसको कोई नशा चढ़ नहीं सकता। मैं आज ये देखता हूँ कि आज के ज़माने में पार्टी का मतलब ही हो गया है कि मतलब ड्रिंक्स एंड ऑल, मतलब नशा वाला चीज़। तो ये कल्चर को अपने आचरण व्यवहार और कोई कार्य, कैसा कार्य करना चाहिए कि ये सोच बदले कि पार्टी का मतलब खाली यही नहीं होता, आप कई तरह से आप बना सकते हैं। मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल इस तरह की प्रवृत्तियाँ आम होते जा रही है, लोग बात बात में इन सब चीज़ों को प्रमुखता देने लगे हैं, और हमारे समाज की नई पीढ़ी तो पूरी तरह से भ्रमित और गुमराह हो रही है। हमें उन्हें भटकाव से बचाने का पुरजोर प्रयत्न करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी प्रवृत्तियों पर यथासंभव अंकुश लगे। जहाँ तक सवाल है मजाक उड़ाने का, उनको मजाक उड़ा लेने दो। अगर कोई ऐसा कहते तुमने बिल्कुल माकूल जवाब दिया, ऐसा ही जवाब देना चाहिए। और अगर और कोई कहे तो उसमें एक कदम आगे बढ़कर ये भी कह सकते हो कि तुम क्या जानो नशा क्या होता है, तुम्हारा नशा नाश करता है और हमारा नशा हमारे जीवन का विकास करता है। हम अल्पकालिक नशे की बात नहीं करते, हम नशा उसे मानते हैं जो हमारे जीवन की परिणति को सुधार दे, हमें जीवन को आगे बढ़ाए। आज तुम्हारा नशा तुम्हें मजा दे रहा है, लेकिन तुम्हारा ये मजा कल सजा बनेगा, हमें और आगे बढ़ना है। हम ऐसा मजा चाहते हैं जो सजा न दे। और एन्जॉयमेंट के बारे में उनको बोलो कि एन्जॉयमेंट नशा में नहीं है, एन्जॉयमेंट मानसिकता में है। हम अपनी मानसिकता को ठीक बना रखे हैं, हमारा धर्म हमें किसी नशा की आवश्यकता ही महसूस नहीं होने देता, हम हर पल अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। तुम नशा करते हो मस्ती के लिए क्योंकि तुम भीतर से त्रस्त हो, हमें नशा की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम अपने में मस्त हैं। जो अपने में मस्त है उसे नशा की कोई ज़रूरत नहीं, जो भीतर से त्रस्त है उसे बाहर नशा की ज़रूरत होती। तो हम अपने में मस्त हैं और हमें मस्त रहने दो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन मुझे पता है आज नहीं कल तुम जरूर कहोगे तुम ही सही थे। समझिए, नमस्ते गुरुदेव। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती विनीता जैन जयपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे ललित जी चूड़ीवाल। गुरुदेव के चरणों में शश्वत बाण नमन, अलग जी महाराज के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, कई बार हम कहीं लोग तीर्थ स्थान पे या कहीं जाते हैं और हम जा नहीं पाते हैं वहाँ पे, और अपना दान्य द्रव्य देते हैं, तो क्या हमें उसका पुण्य मिलता है? कृतकारित अनुमोदन, जो खुद कर सको अच्छा है, नहीं करा कर लो, करो या कराओ या भावना भाव, पुण्य तो मिलता है। अगले प्रश्न के लिए ललित जी चूड़ीवाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे गौमिया से राजेश रश्मि जैन। गुरुवर, आज
पूरा देश मकर संक्रांति मना रहा है। जैन धर्म में अपने मकर संक्रांति किस रूप में मनाया जाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, मकर संक्रांति ये तो हर महीने सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। आज तो नहीं, कल है मूलतः मकर संक्रांति। कर्क राशि से मकर राशि में बदलता है, एक प्राकृतिक घटना है। और उस प्राकृतिक घटना को जैन धर्म उसी अनुरूप लेता है। लोक पर्व के रूप में यदि कोई उत्सव मनाए वो एक अलग चीज है, लेकिन जैन धर्म में से कोई धार्मिक दृष्टि से अतिरिक्त स्थान नहीं दिया गया। नमस्ते महाराज, श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक शंका है कि अगर मतलब मेरी नज़र में अगर किसी ने कोई गलती की, पता नहीं वो हो भी सकता है कि गलती हो या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये उसकी गलती है, सामने वाले की गलती है, तो क्या गलती करने के बाद व्यक्ति को मौका देना चाहिए या संबंध खत्म कर लेने चाहिए? एक तरफा फैसला नहीं करना चाहिए, पहले समझना चाहिए, एक प्राकृतिक न्याय के तहत उसे अवसर देना चाहिए, और यदि वाकई में गलती है तो एक बार उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। गलती की है या गलती हुई है ये भी देखना चाहिए। गलती करना और गलती होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। कई बार हम एक आरोप लगा देते कि इनने गलती की, पर होता है उल्टा है, उसने गलती किया नहीं पर गलती हो जाती है। तो जो गलती किया है जानबूझकर उसका विषय अलग है, लेकिन जिससे गलती हुई वो निर्दोष है, वो गलती को सुधार सकता है, और जो गलती कर रहा है वह भी सुधर सकता है। हमें बचना उससे चाहिए जो एक ही गलती को बार बार दोहराता है। नमोस्तु महाराज। आइए और अगले प्रश्न के लिए सुरेश रश्मि जैन, जो हमारे बीच में अटलांटा यूएसए से जुड़े हैं, आज सूत्रधार के रूप में गौतम रुचिल जैन, अटलांटा यूएसए। हो गया। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं रुचिल गौतम जैन, मैं अटलांटा यूएसए से आई हूँ। आपके दर्शन करके, प्रत्यक्ष दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज श्री, मैं शेफाली अजमेरा जी के नेतृत्व में प्रामाणिक एनआरआई पाठशाला में भावना योग की टीचर हूँ, और हम बच्चों को भावना योग कराते हैं, स्तुति याद कराते हैं भक्तांबर जी, और नियम दिलाते हैं। महाराज जी, मेरा सभी पूरी प्रामाणिक एनआरआई पाठशाला टीम की तरफ से आपको नमोस्तु और आशीर्वाद दीजिए कि हम बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएं और सारे बच्चे बहुत अच्छे उन्नति करें और बहुत अच्छे से सब चीज़ सीखें। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि आज के युग में पाठशाला का क्या महत्व है, और आजकल देखा जाता है कि जैसे पेरेंट्स जो रहते हैं, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो बच्चों को बहुत भेजते हैं जैसे, लेकिन पाठशाला में उतना नहीं भेजते हैं या फिर उनकी इतनी प्रायोरिटी नहीं रहती, तो हम कैसे उनको समझाएं, ऐसा उपदेश दीजिए कि जैन पाठशाला जाना कितना ज़रूरी है। नमोस्तु महाराज श्री। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कीजिए। अमेरिका में रह कर के भी इनके हृदय में भारत बसा है, जैनत्व वशा है। ये युवा दंपति न केवल जैन धर्म का खुद पालन कर रहे हैं, अपितु आने वाली पीढ़ियों के हृदय में भी जैन धर्म की स्थायी ज्योति जला रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयत्न है। मैं तुम्हारे माध्यम से पूरे ग्रुप को आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरीके से लगे रहे और जैन धर्म और संस्कृति के विकास में अपना योगदान देते रहे। आपने जो सवाल किया कि पाठशाला के प्रति लोगों का आकर्षण कैसे बढ़ाएं, आज अभिभावकों को एक बात सिखाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है कि आप बच्चों को कदाचित पढ़ाई में पीछे करोगे तो बच्चा ज़्यादा पीछे नहीं होगा, हो सकता है एवरेज बच्चा भी आगे बढ़ जाए और बहुत कुछ काम कर ले, लेकिन धर्म के क्षेत्र में बच्चा पिछड़ गया तो बच्चा आपका बच्चा भी नहीं रह पाएगा। आप चाहते हो कि बुढ़ापे में आपका बेटा आपको तीर्थ यात्रा कराए, तो आपको चाहिए बचपन में आप बच्चे को पाठशाला लेकर जाएं। आप चाहते हो कि हम अपने बच्चों की उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र बनने से बचें, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को जीवन के प्रारंभिक दौर में ही
धर्म और तत्व ज्ञान का बोध दे। आप चाहते हैं कि मेरे घर में धर्म जैन धर्म की ज्योति जीवंत बनी रहे, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों में बचपन में ही जैन धर्म के संस्कार डालते रहिए। आप अगर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में सदाचार और नैतिकता जुड़ी रहे, तो आपको चाहिए कि बच्चों को पाठशाला जरूर भेजें, क्योंकि ये ज्ञान अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। आप अगर बच्चों को इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि मैं जैन हूँ, जैनत्व का एहसास उनमें बना रहे, तो आपको पाठशाला भेजना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बड़ा गड़बड़ होगा। देखिए, पाठशाला न जाने का क्या परिणाम होता है। मैं एक स्थान पर था, धूप दशमी का समय था, स्थान का नाम ले लेता, भोपाल की बात है, बहुत पुरानी हूँ, 1995 की। वहाँ लोग सब मंदिरों के दर्शन करते हैं धूप दशमी के दिन, हजारों जैन हैं वहाँ। तो सुबह से रेला लगा था, एक परिवार आया, उनके साथ एक करीब 17-18 साल का बच्चा भी था। वो मुझे देखे तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजूबा देख रहा हूँ। जो सज्जन थे वो परिचित थे, वहाँ के बड़े उच्चाधिकारी थे, एक बड़े संस्थान के उच्चाधिकारी थे, आते जाते थे। वो बच्चा पहली बार आया, मैं उसकी तरफ देखा। उन्होंने बच्चे से कहा, बेटे महाराज जी हैं, महाराज जी को प्रणाम करो। अब जब उनसे कहा जा रहा प्रणाम करो, तो वो ऐसे देखे जैसे कि क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया। बेटा अपने महाराज जी हैं, इनको प्रणाम करो। तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर मैं बोला, बेटे महाराज जी को प्रणाम करो, अपन को नमस्तु कहना होता है। तो धीरे से जेब से हाथ निकाला, ये किया, मैं उनकी तरफ देखा, मैंने कहा भैया ये क्या है। बोले महाराज गलती इसकी नहीं, गलती हमारी है, गलती इसकी नहीं, गलती हमारी है, हमने इस बच्चे को कभी पाठशाला नहीं भेजा और इसकी पूरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई। महाराज इसी साल 12th करके आया है और पहली बार दिगंबर मुनि को देखा है, इसने कभी देखा ही नहीं। पहले मैं जहाँ रहा ऋषिकेश में, वहाँ दिगंबर मुनि थे नहीं, और इसके बाद 5th class से मैंने इसे निरंतर हॉस्टल में रखा, इसने कहीं मुनि को देखा ही नहीं, तो ये क्या जानेगा। आज समझ में आता है कि पाठशाला भेजने का क्या महत्व है। काश ये बात आज की हर अभिभावक समझने लगे, तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है और लोगों का झुकाव भी हो सकता है। और पाठशाला को जिस तरीके से आप लोग चलाते हैं, यदि वैसा चलाया जाए तो बच्चों का आकर्षण भी अपने आप उत्पन्न होगा। उनमें हम इतना ज़्यादा धर्म न सिखाएं कि बच्चों का ज़्यादा समय चला जाए। कुछ माँ बाप तो इसलिए भी डर जाते हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा धर्म सीख जाए तो कहीं मुनि न बन जाए, ये भी बड़ा चक्कर है, तो इसलिए भी घबरा जाते हैं। लेकिन आधारभूत बातें जानना बहुत ज़रूरी है। उनके हृदय में पाप से डर होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए और अपने कुल का गौरव होना चाहिए, तभी वे अपने जीवन को संभाल सकेंगे, संरक्षित कर सकेंगे, संवर्धित कर सकेंगे। अगले प्रश्न के लिए NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे रिद्धि रौनक जैन। मंचासीन सभी गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री कर्म साधना से क्या व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर सकता है? कर्म साधना से क्या भक्ति को प्राप्त कर सकता है? कर्म साधना और भक्ति से, कर्म साधना और भक्ति से, कर्म साधना और भक्ति से, कर्म साधना और शक्ति से शायद प्राप्त, ऐसा कैसा कुछ है? आप जो पढ़े हैं ना, बहुत खोज के सवाल रहता आपका, लेकिन इसको थोड़ा संशोधित कर लो। मूलतः ये जैन शब्दावली नहीं है, जैन परंपरा में इस तरह की शब्दावली नहीं होते, लेकिन भक्ति का मार्ग, कर्म का मार्ग और एक मार्ग है ज्ञान का मार्ग। कर्म ज्ञान साधना, यस, कर्म ज्ञान और साधना, तीनों साधना या भक्ति, क्या पढ़ा था आपने? नहीं, कर्म ज्ञान और साधना से क्या भक्ति प्राप्त की जा सकती है? कर्म ज्ञान और साधना से क्या भक्ति पा जा सकती है?
मैं तो ये कहता हूँ अगर हृदय में व्यक्ति की भक्ति हो जाए तो कर्म ज्ञान और साधना तीनों सार्थक हो सकते हैं। समझिए, चलिए। नमस्ते महाराज श्री। रिद्धि रौनक जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे सुहास जी जैन, CEO गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं सभी चुल्लक महाराज जी को इच्छा। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आखिर कितना सफल होना होता है, क्योंकि इंसान की भूख कभी भी एक लक्ष्य पे ख़त्म नहीं होती, उसके बाद उसे दूसरा ज़रूर दिखता है। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल है, कितना सफल होना होता है, क्योंकि इंसान की भूख कभी ख़त्म नहीं होती, एक लक्ष्य के बाद दूसरा उत्पन्न हो जाता है। मैं इसे कहता हूँ वही सफलता है जो मन में संतोष और प्रसन्नता को उत्पन्न कर दे। अगर मन में स्थायी संतोष का अभाव है तो सफलता नहीं, एक प्रकार की विफलता है। तो सफलता के साथ प्रसन्नता हो, स्थायी प्रसन्नता जो हमारे हृदय के संतोष में, वही सफलता है। हमारे यहाँ अगर दूसरे शब्द में देखें तो कृत काम होना ही हमारी सफलता की पूर्णता है। कामना की पूर्ति होना ये सफलता नहीं, कृत काम बन जाना यानी अब मेरे पास कोई काम ही ना बचे, वो सफलता है। और थोड़े गूढ़ अर्थ में जाएं तो सिद्ध हो जाना ही सफलता है। जब तक हम सिद्ध नहीं हुए तब तक विफल हैं। इसलिए अपनी वास्तविक सफलता चाहते हो तो सिद्ध अवस्था को अपना लक्ष्य बनाओ और उसे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते जाओ। नमस्ते गुरु। श्रीमान सुभाष जी, CEO गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे परम आदरणीय पंडित सिद्धार्थ जी शतना। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शशत नमन। मंचासीन चुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव, अभी दो बड़े प्रकल्प भारतवर्ष में बने तैयार हुए हैं, एक हमारा मंदिर और एक अयोध्या का राम मंदिर। दोनों ही गुलाबी पत्थर से बने हैं और दोनों अपने आप में अनुपम कृति हैं स्थापत्य की। तो गुरुदेव, हमारा मंदिर बना है पंचायतन शैली में और वो राम मंदिर बना है नागर शैली में, तो दोनों शैली में क्या फ़र्क है गुरुदेव, और जैन धर्म के अनुसार कौन सा हमारे लिए ज़्यादा अनुकूल है? देखिए, मंदिर एक कला शिल्प स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। हमारे देश में कई प्रकार की शैलियाँ रही हैं मंदिर की, जिसमें नागर शैली एक बड़ी प्रसिद्ध शैली रही है, जिसमें गर्भ मंडप, रंग मंडप, नृत्य मंडप, श्रृंगार चौकी आदि, भक्ति मंडप आदि कई मंडप होते हैं, जिसमें सबसे अंत में भगवान का विहग होता है, मूर्ति होती है और एक लंबी यात्रा करके जाना होता है एक कोठे से दूसरे कोठे में। ये नागर शैली का मंदिर होता है। नागर शैली का मंदिर देश में कई भी बना है। अभी राम मंदिर बहुत भव्य बन रहा है, भारत की संस्कृति के गौरव का द्योतक है, लेकिन आप सबको जानकारी मैं देना चाहूँगा कि राम मंदिर से भी ऊंचा बड़ा बाबा का मंदिर है। बड़ा बाबा का मंदिर लगभग 180-190 फीट ऊंचाई और 280 फुट से ज़्यादा लंबाई है उसकी, एक्चुअल मुझे याद नहीं, लेकिन इससे काफ़ी लंबी चौड़ी, और मंदिर बड़ा विशाल और भव्य है। हमें इसकी भी जानकारी लोगों को देनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जितने भी मंदिर बने हैं वे सब के सब नागर शैली में ही बने। तो एक नागर शैली का मंदिर होता है जो ज़्यादातर बना है। दूसरा है उड़िया शैली का मंदिर, जो कोणार्क का मंदिर है, जो बहुत ज़्यादा आजकल नहीं बनते। तीसरी शैली है जो तमिल शैली का मंदिर होता है। तमिल शैली के मंदिर में एक अलग प्रकार का शिल्प होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मंडप नहीं होते, एक शिखर होता है और उसके सामने एक मंडप मात्र होता है। राजस्थानी शैली एक अलग शैली है जो समय समय पर परिवर्तित हुई। पंचायतन शैली एक बड़ी प्राचीन शैली है और प्राचीन शैली वाले इस पंचायतन शैली के मंदिर में मध्य में मूल विभाग होता है जो भगवान का बिंब होता है और चारों कोनों में चार मंदिर होते हैं। ये जो यहाँ बनने जा रहा है, ये बन रहा है अब तो लगभग पूर्णता है, ये पंचायतन शैली का मंदिर है। ऐसे मंदिर बहुत कम बने हैं देश में, बहुत थोड़े से ही मंदिर हैं जो पंचायतन शैली के रूप में है, और मेरे ख्याल से इस तरह का पत्थर का मंदिर अभी
पीछे आस पास कहीं देखने में नहीं आता। तो ये पंचायतन सैनी का भव्य जिनाल है और ये यहाँ बन रहा है, राम मंदिर अपनी जगह है। मंदिरों की तुलना मेरी दृष्टि से उचित नहीं है, मंदिर तो सब मंदिर होते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आप इस बात का प्रचार प्रसार जरूर कर सकते हैं कि हमारे मंदिर में क्या आकर्षण है, क्या शिल्प है, इस मंदिर की एक एक चीज़ें जो बनाई गई है, जिस सोच के साथ बनाई गई हो, अपने शास्त्रों की सारी बातों को रेखांकित की गई। यहाँ एक एक पत्थर बहुत सारा संदेश दे रहा है। हर पत्थर में सिर्फ शास्त्र के साथ साथ हम जैन दर्शन की मूलभूत बातों को भी उजागर करने में समर्थ हो रहे हैं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सकती। मंदिर जितना भव्य होता है वहाँ हमारा मन भी उतना रमता है। इस उद्देश्य से यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो मैं मानता हूँ ये आप सबके लिए बड़े गौरव का विषय होगा कि मंदिर भले आकार में बहुत बड़ा नहीं है, ये 140 फीट बाय 140 फीट के चौकोर है, 141 फीट बाय 141 फीट है और इसकी 108 फीट ऊंचाई है और दो मंजिल का ये मंदिर है। अपने आप में इसकी संरचना अलग है। तो ये मंदिर अपने आप में है, राम मंदिर अपने आप में है और जितने मंदिर बन रहे हैं वो अपने आप में है। जैसे अभी मैंने बताया, बड़े बाबा का मंदिर भी एक बहुत ही उत्तम मंदिर है। अब तक अगर देखा जाए तो अभी तक के भारतवर्ष के सबसे ऊंचे मंदिर में बड़े बाबा के मंदिर की गणना होगी। और उसमें भी अभी और जानकारी लेनी चाहिए, आप कुंडलपुर कमेटी से उससे पूरी इसका पूरा डिटेल दे और इसे अपलोड करें। 216 फुट हाइट है। यह अपने आप में सबसे ऊंचा मंदिर है और पहाड़ के ऊपर है, ये और ऊंचाई है, लगभग 500-700 फुट तो पहाड़ की ऊंचाई होगी। तो ये अपने आप में एक अद्भुत संरचना है और जो प्राकृतिक स्वरूप है वो अपने आप में अद्भुत है। तो जो भी मंदिर इस तरह के बन रहे हैं अद्भुत है। अमरकंटक का मंदिर भी बहुत विशाल है, रामटेक का मंदिर भी विशाल, नेमावर का मंदिर भी बहुत विशाल है। तो ये मंदिर तो अच्छे से अच्छे बनने चाहिए और ये कड़ी जो बनी है बहुत अच्छी कड़ी है। समाज को चाहिए कि इन बातों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाए ताकि ये लगे कि भारत में आज भी लोग इस तरह अपना रुझान रखते हैं और अपने धर्म उपासना में अपना उत्कृष्ट योगदान देते हैं। नमस्ते। अगले प्रश्न के लिए परमादरणीय पंडित सिद्धार्थ जी सतना और उसके बाद हम चलेंगे मंचासीन छुल्लक महाराज जी के चरणों से। ओम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। यदक छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरु जी, आज प्रश्न पहले में मेरे पास बहन नंदुरबार से सरिता, वो दुर्ग में रहने वाली थी और उन्होंने एक बात रखी थी कि महाराज जी चरणों में नमोस्तु, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्णय लेने की क्षमता रखता है, फिर वह हमारे आगम में भी निर्णय लेने लगेगा, तो फिर हमारे आगम के रहस्य की विस्तार पूर्वक जानकारी वर्तमान टेक्नोलॉजी में उपलब्ध हो जाएगी, तो इससे क्या हानि और क्या लाभ है? ये तो पूरे देश विश्व में बहस का विषय बना हुआ है ये AI के बारे में कि ये क्या होगा। ये तो समय बताएगा, इसके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के पक्ष हैं। चीज़ें सुगम भी होगी और चीज़ों में उलझने भी आएगी। ये दोनों चीज़ें हैं, एक बड़ी चैलेंजिंग है। हम ना इसको रोक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो जो चीज़ें इंटरनेट पर उपलब्ध है वह आप किसी एक तक सीमित होने वाली नहीं है। तो वो चीज़ें फैलेगी, विस्तार पाएगी, हमें भी अब समय के साथ इसे स्वीकार करना पड़ेगा। बस प्रयास ये करना है कि इसके दुष्परिणामों से बचा जा सके। प्रसंग इसलिए आया कि वो कह रही थी महाराज जी की जो क्लास सुबह चल रही है बहुत फास्ट चल रही है, इसमें थोड़ी महाराज जी विस्तार से करेंगे तो ये भी टेक्नोलॉजी में ये सबमिट रहेगा, तो ये कम से कम उसमें पहुंचेगा। और ये बहुत जल्दी जल्दी एक दिन में इतनी सारी गाथाएं हो जाती, तो हमने कहा अच्छा हम तो इसलिए कि ज्यादा बता कहाँ रहे, बहुत थोड़ा ही चल रहा है, क्यों फास्ट चल रहा है क्या? जितना खुराक चल रही है ठीक है, उसको दो बार तीन बार सुन लो तो बराबर हो जाएगा। अपना प्रश्न कल करें, ठीक चलिएगा। आप चलते हैं मंचासीन पूज्य छुल्लक श्री महाराजों के चरणों से जुड़ने के लिए। मैं निवेदन करूंगा छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। कल वाला सवाल। नमोस्तु भगवान। महाराज जी,
आचार्य श्री ने साधना की सर्वोत्कृष्ट ऊंचाइयों को छुआ है, वह किन विशेषताओं की वजह से वो ऐसी साधना कर पा रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। परम पूज्य गुरुदेव ने साधना के बल पर जो ऊंचाई का स्पर्श किया है, उसने उन्हें जैन धर्म की पर्याय बना दी। आज आचार्य विद्यासागर का नाम लेते ही जैन धर्म और जैन धर्म का नाम लेते ही आचार्य विद्यासागर अपने आप आ जाते हैं। आपने पूछा है कि किन विशेषताओं के कारण उन्होंने ऊंचाई पाई। मैं तो ये कहता हूँ कि इन वर्षों में वो चले हैं और इतना चले हैं कि चलते चलते खुद राह बन गए। वे तपे हैं और इतना तपे हैं कि तपते तपते खुद तप बन गए। उन्होंने खुद को खपाया है, खुद को तपाया है, तभी जीवन को कुंदन बनाया है। उनके जीवन की विशेषताएं मैं शब्दों में क्या कहूं, उनके विषय में कुछ कहना तो ठीक ऐसा ही है जैसे कोई सूतली से नमक की पुतली को बांधे, नमक की पुतली को सूतली से बांधकर सागर में डाले और उसकी थाह लेनी चाहे कि सागर कितना गहरा है, क्या कहेंगे? नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं उनके संदर्भ में कुल चार बातें कहना चाहूँगा जो मुझे उन्हें सबसे अलग रूप में दर्शाते हैं। वो है सबसे बड़ी बात, वे बड़े आत्मविश्वासी हैं। कोई भी साधक जब तक आत्मविश्वास से लवरेज नहीं होता तब तक अपनी चेतना का वास्तविक विकास नहीं कर पाता। बहुत प्रगाढ़ आत्मविश्वास है उनके अंदर। दूसरी बात, उनके अंदर आत्मसंयम है। आप देखते उनकी कोई भी प्रवृत्ति पहले से किसी को पता ही नहीं चलता। अपने आप पर इतना नियंत्रण एक साधक की बड़ी पहचान होती है। आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम से सीखें। और वो हमेशा कहते हैं महसाम वृत्ति दुर्लक्षा, महान आत्माओं की वृत्ति को देखा नहीं जा सकता। वो आत्मसंयम उनके जीवन की एक बड़ी विशेषता है जो उनके महानता का मूल आधार है। तीसरी बात, वे अध्यात्म निष्ठ हैं। अध्यात्म उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। ऐसा अध्यात्म सब कुछ करते हुए भी खुद में रमने की क्षमता उनके अंदर है। देखने को लगता है कि वो इतने बड़े संघ का संचालन कर रहे हैं और समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं, पर गहराई से उतर कर देखो तो लगेगा वो खुद में ही रमे हुए हैं। इनको औरों से कोई मतलब नहीं, ये केवल एक दायित्व का पालन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और ये उनकी चौथी विशेषता है कि वे अध्यात्म निष्ठ है, अध्यात्म उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। और चौथी विशेषता, उनमें प्रगाढ़ आत्मानुशासन है जो एक साधक के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। आत्मानुशासन, वो कुछ भी काम औरों से बाद में कहते हैं, खुद पहले करते हैं, और जो कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं, तो सबको सीख मिलती है। ज़्यादा बोलते नहीं, अनुशासन उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। खुद पर वो कहते हैं निज पर शासन फिर अनुशासन, यही हम सब की प्रेरणा का कारण बनता है। तो मेरे देखे ये चारों बातें उनके व्यक्तित्व को इतना प्रभावी और आकर्षक बनाती है कि फिर हमें और किसी बात की जरूरत शेष नहीं रहती। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत् श्री विद्यासागर महाराज।
बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 61 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336973720219। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई। www.rajguruastrologer.com।